चलो अब आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक था आवेश का मात्रक व विभव। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश को किसमें मापते हैं, तो ऐसा ही मात्रक जो है वो तो इसका क्या है कूलम्ब, इसका ऐसा ही मात्रक है कूलम्ब जिसे हम सी से लिखेंगे, और इसका जो सीरियस मात्रक है सीरियस मात्रक वो है स्टेट कूलम्ब या ESU या फ्रैंकलिन। इन दोनों में क्या रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन ये है एक कूलम्ब इक्वल्स टू 3×10⁻¹ ESU स्टेट कूलम्ब या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन। इसका एक अन्य मात्रक है फेराडे, नॉट फेरेड, फेराडे, फेरेड धारिता का मात्रक होता है जो आगे आएगा। आवेश का मात्रक है एक और फेराडे, एक फेराडे, एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। कूलम्ब भी बहुत बड़ी यूनिट है, इससे छोटी यूनिट भी आएगी जैसे माइक्रो है, माइक्रो, इस माइक्रो का अगर कूलम्ब में चेंज करें तो ये लिखा जाएगा 10⁻¹ कूलम्ब, और नैनो है तो नैनो कूलम्ब 10⁻¹ कूलम्ब, नैनो का मतलब 10⁻¹, जो आप पहले पढ़ भी चुके हो। 1 पीको कूलम्ब, पीको का मतलब 10⁻¹² कूलम्ब, ये इसके मात्रक है। अब चलते हैं आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म, आवेश के क्या क्या गुण हैं। तो पहला गुण समझने के लिए मान लो ये कोई निकाय है जिसमें तीन ऑब्जेक्ट हैं, ए बी और सी, ये तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी और सी। मान लो इसके ऊपर चार्ज है 2 कूलम्ब, इसके ऊपर चार्ज है 6 कूलम्ब, इसके ऊपर चार्ज है -4 कूलम्ब, -4 कूलम्ब। इस पूरे निकाय का टोटल चार्ज कितना होगा, कितना होगा, इसका टोटल चार्ज होगा q बराबर 2 और 6 8 और -4, यानी 2 कूलम्ब प्लस 6 कूलम्ब -4 कूलम्ब बराबर कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 4 कूलम्ब। सिंपल ऐसे ही जोड़ते हैं, ये इस जोड़ को क्या बोलते हैं, बीजगणितीय योग। ये आपने पहला गुणधर्म सीख लिया जिसका नाम है आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, पहला गुणधर्म है आवेशों की योज्यता। ये नियम ये बोलता है कि जो चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर कुल आवेश उस बॉडी पर उपस्थित समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, तो बीजगणितीय योग में धनावेशों को जोड़ना है और ऋणावेशों को घटाना है, ऋणावेश को घटाते हैं और धनावेश को जोड़ते हैं, यानी किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज हो जाएगा q बराबर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू n e, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है e, क्योंकि अगर हम कोई बॉडी लें तो उसमें प्रोटॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसे इससे गुणा कर दो, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है तो ये तो सारे जुड़ेंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको इससे गुणा करके घटा दो तो ये टोटल चार्ज हो गया। आवेशों की योज्यता मतलब बीजगणितीय योग करेंगे, धनात्मक आवेशों को जोड़ेंगे और ऋणात्मक आवेश को घटाएंगे, यही आवेशों की योज्यता है, ये इसका पहला गुण है। अब दूसरे गुण पे चलते हैं,
दूसरा बोला है आवेश संरक्षण वाला। मान लो ध्यान से देखें, ये निकाय था अपना, इस निकाय में हमने कुछ चेंज किया, कुछ अंतःक्रिया करा दी, जिसके कारण ये ए, ये बी और ये सी, ए के पास जो है वो एक गुलाम चार्ज हो गया, ठीक, और जो ये है इसके पास हो गया माइनस पांच गुलाम चार्ज। तो सी वाले पे कितना चार्ज बचा, सी पे कितना चार्ज बचेगा भाई? ये अपना निकाय था, इसमें कुछ हमने चेंज किया, तो ए पे तो कितना रह गया एक गुलाम, बी पे कितना हो गया माइनस पांच, सी पे पहले माइनस चार था अब कितना हो जाएगा? तो भाई आपने इसका सॉल्यूशन निकाला कितना है, कितना आ गया यहां पे आठ गुलाम। ध्यान से देखो आपने कैसे निकाला, आपने यहां पे लिखा दो गुलाम प्लस छह गुलाम माइनस चार गुलाम, इधर का कितना हो गया चार गुलाम, अच्छा इधर का एक गुलाम माइनस पांच गुलाम प्लस एक्स, इस पे एक्स मान लो, तो इसका टोटल कितना होना चाहिए चार गुलाम, एक्स का मान कितना आ गया ये चार, ये वाला इधर चार माइनस पांच माइनस चार बचेगा तो इधर लाओ प्लस चार, तो कितना हो गया आठ गुलाम, इधर माइनस चार बचा इधर लेके आ जाओ प्लस चार, तो एक्स बराबर आठ गुलाम, तो इस पे चार्ज कितना गया आठ गुलाम। तो ये सिंपल है देखने में, लेकिन ये आवेश का गुण नहीं है, ये कौन सा गुण, आपने क्या ट्रिक लगाई, आपने ये लगाया कि यहां पे जितना चार्ज है इस पूरे विद्युत निकाय पे जितना चार्ज है उतना चार्ज यहां पर भी रहेगा, यानी आपने लगाया आवेश संरक्षण का नियम। आपको पता था कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, केवल आवेश को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता, इसे ही बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है आवेश संरक्षण का नियम, ये आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत निकाय पर अंतःक्रिया होने के कारण उस पर उपस्थित कुल आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न आवेश को नष्ट किया जा सकता है, आवेश को केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक। ये हो गया आपका आवेश संरक्षण का नियम। उसके बाद में चलते हैं तीसरा नियम, तीसरा नियम समझने के, तीसरा नियम समझेंगे तो ये मान लो कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है, दो बॉडी है, दोनों उदासीन है, यानी जितना इस पे प्लस है उतना माइनस, इस पे जितना प्लस है उतना माइनस। तो यहां से यहां पे हमने 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो इस पे चार्ज कितना जाएगा, इसने दिए तो प्लस दस ही, इस पे कितना जाएगा माइनस दस। मैंने कहा इससे इसके ऊपर यदि मैं 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूं, पहले 10 किए थे मानो 100 कर दिए, तो इस पे प्लस 100 ही आ जाएगा और इस पे कितना जाएगा माइनस 100 ही, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ध्यान सुनो, अगर मैं यहां से 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या ऐसा कर पाना संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन टूट कर इधर नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन है तो पूरा ही जाएगा ना, आधा इलेक्ट्रॉन टूट के नहीं जा सकता, इसका मतलब ये वाला चार्ज न तो इस बॉडी पर पॉसिबल है और न ही इस बॉडी पर पॉसिबल है, मतलब ऐसा चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, मतलब चार्ज या तो एक ही होगा या दो ही होगा या 100 ही होगा, यानी टोटल चार्ज ये वाला पॉसिबल नहीं है, यानी टोटल चार्ज जो है वो हमेशा ई का पूर्ण गुणज होगा,
वो प्लस हो सकता है, वो माइनस हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो माइनस आ जाएगा। लेकिन टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस माइनस एन। इस नियम को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो इस नियम से आप क्या समझते हैं कि कोई भी बॉडी हो उसके ऊपर हमेशा चार्ज E का पूर्ण गुणज ही होगा। E क्या है यहां पर, E का मान है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इतना माइनस में होगा, प्रोटॉन की बात करें तो इतना प्लस में होगा। इसका पूर्ण गुणज ही होगा, यानी जो न्यूनतम मान है किसी बॉडी पर वो इतना हो सकता है। इसलिए इसे बोलते हैं क्वांटा लिफ्ट। इलेक्ट्रॉन के क्वांटा का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इससे कम नहीं हो सकता। तो हमारे लिए आवेश का क्वांटा का मान पूछे तो ये होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मान लो मैं बॉडी लूं ऐसे, ठीक, मैं कहूंगी इसके ऊपर चार्ज है 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम प्लस के अंदर, तो क्या ऐसी बॉडी पॉसिबल है? तो आप क्या करोगे इसमें, क्योंकि ये किसके बराबर होना चाहिए, n into e के बराबर, तो n का मान निकालो 3.2 × 10⁻¹⁹ n का मान, e का मान कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइड करोगे कितना आ गया 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए या दिए, प्लस है तो दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ऐसी बॉडी पॉसिबल है। मैं कहूँ किसी बॉडी पर चार्ज है 3.4 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो क्या ऐसी बॉडी पॉसिबल है? तो यहाँ 3.4 रखो तो यहाँ पे मान पॉइंट में आएगा, यहाँ पे मान पॉइंट में आएगा, और जब मान पॉइंट में आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्ण गुणज होना चाहिए, तो ऐसी बॉडी का अस्तित्व नहीं है। कई बार पूछा जाता है क्या ऐसी बॉडी अस्तित्व में है, तो आप डिवाइड कर दो q बराबर यानी n का मान निकालो, अगर वो पॉइंट में नहीं है तो अस्तित्व में है, पॉइंट में है तो अस्तित्व में नहीं है। इस नियम को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि कोई भी निकाय उस पर कुल आवेश हमेशा उसके क्वांटा या इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम मान 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का पूर्ण गुणज ही होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब चलो चौथे पे आते हैं, चौथा नियम। चौथा जो गुणधर्म है उसे बोलते हैं आवेशों की निश्चलता। आवेशों की निश्चलता, आवेशों की निश्चलता क्या होती कि मान लो कोई आवेश है, ठीक, उसका मान है q, मान लो कोई बॉडी है जिस पर आवेश q है, ये स्थिर अवस्था में है। अब ये आवेश दौड़ने लग जाए, ये बॉडी दौड़ने लग जाए, तो भी इस पर आवेश कितना रहेगा, वो ही रहेगा, यानी आवेश का मान किसी भी वस्तु पर आवेश निर्देश फ्रेम के चयन पर निर्भर नहीं करता। निर्देश फ्रेम आप कैसी भी चयनित कर लो उस पर निर्भर नहीं करेगा, आप चाहे स्थिर निर्देश फ्रेम ले लो या गतिशील निर्देश फ्रेम, क्यूब का मान चेंज नहीं होगा, जितना स्थिर वाली में है उतना ही गतिशील वाली में रहेगा, तो ये चार्ज समान रहेगा, क्यूब विराम अवस्था बराबर क्यूब गतिमान अवस्था। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आवेशों की निश्चलता, यह आवेशों की निश्चलता है। लेकिन m वस्तु का द्रव्यमान विराम अवस्था में और गतिमान अवस्था में भिन्न भिन्न होता है, m चेंज, द्रव्यमान चेंज होता है, द्रव्यमान कितना होता है, m बराबर m नोट अंडर रूट 1 − b² / c² लेकिन हमने तो 12th में कहीं पर ये नियम नहीं लगाया, हमने तो नहीं लगाया कि कोई गाड़ी है, कोई बस चल रही है, वो 10 मीटर से 20 मीटर चलने लग जाए, 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड की गति पर आ जाए, तो मास तो हमने चेंज किया ही नहीं था। लेकिन 12th के अंदर जो भी एग्जाम्पल थे आपने देखा होगा उसमें जो वेलोसिटी है वो बहुत कम रहती है, 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर पर सेकंड, आप पत्थर फेंक रहे हो ज्यादा से ज्यादा कितना कितना फेंक रहे थे हम, 200 मीटर पर सेकंड, कोई प्लेन उड़ रहा है 500 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड,
5000 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ जो सी का मान है 3×10^8 मीटर पर सेकंड, उसके कंपेरिजन में तो बहुत छोटा है। और जब ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो जब इसे डिवाइड करोगे छोटे मान को बड़े मान से, तो ये बहुत कम आएगा। तो एक में से बहुत कम मान घटा रहे हो, 0.00001, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम वहां पे मास चेंज नहीं कर रहे थे। चेंज तो होता है, लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन जब यहां की बात करें आवेश की, तो जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा फोर्स दो, मान लो आप थप्पड़ मार रहे हो, इलेक्ट्रॉन को थप्पड़ मारिए, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास तो है 9.1×10^-31 kg, अब ये इतना भारी है 10^-31 kg, अब इतना भारी से थप्पड़ मारो तो कितनी रफ्तार से चलेगा ये? इसकी जो रफ्तार है बराबर है, इसे निकाल लो कितना एक्सेलरेशन आएगा इससे, तो जो वेलोसिटी है वो सी के कंपैरिजन में आ जाती है। जब वेलोसिटी सी के कंपैरिजन के अंदर आएगी तब मास इफेक्ट होगा। इसलिए हम यहां पर आवेश के अंदर द्रव्यमान चेंज की कंडीशन ले रहे हैं। तो द्रव्यमान जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है, स्थिर फ्रेम में अलग होगा, गतिशील फ्रेम में अलग होगा। लेकिन जो विशिष्ट आवेश है, विशिष्ट आवेश बोलते हैं Q/m को। Q/m फ्रेम पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्यों डिपेंड नहीं करता, लेकिन एम जो है बटे वाला है मास, वो डिपेंड करता है। इसलिए विशिष्ट आवेश फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन आवेश फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है विशिष्ट आवेश का, क्या डिपेंड करता है या नहीं, तो यस ये डिपेंड करता है। हाँ, अगर वेलोसिटी बढ़ाए, यहां पे वेलोसिटी बढ़ाए तो ये मान बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो एक में से जब बड़ा मान घटाएंगे तो छोटा मिलेगा, जब छोटे से डिवाइड करेंगे तो मास का मान बढ़ेगा। जब वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो मास बढ़ता है, और जब मास बढ़ता है तो विशिष्ट आवेश घटता है। तो ध्यान रखें, जब वेग बढ़ाते हैं तो आवेश अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान बढ़ जाता है और विशिष्ट आवेश घट जाता है। इसे बोलते हैं आवेशों की निश्चितता। निश्चितता का मतलब निश्चित आवेश का मान कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन विशिष्ट आवेश का मान व द्रव्यमान फ्रेम पे डिपेंड करता है। ये इसके चार गुणधर्म हैं, ये वाले मान याद रखते हैं ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1×10^-31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67×10^-27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67×10^-27 kg। में थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पॉइंट के अंदर जाकर, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6×10^-19 कूलम नेगेटिव में, इस पे प्रोटॉन पे +1.6×10^-19 कूलम, न्यूट्रॉन पे शून्य चार्ज। एक चीज और बताते हैं, आवेश पे गुण के अंदर ही आएगा, इनको अलग से कोई हेडिंग नहीं है। आवेश का एक गुण है कि जहां भी आवेश है वहां पे मास जरूर होगा, द्रव्यमान अवश्य होगा। आवेश अगर है, आवेश प्रेजेंट है, अगर आवेश है तो मास भी प्रेजेंट होगा, मास भी उपस्थित होगा। बिना आवेश मास के नहीं रह सकता, आवेश है तो द्रव्यमान होगा, है ना। अगर चार्ज है तो मास डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता, ठीक। चार्ज है तो मास होगा, क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? उल्टे हम अगर मास जीरो है तो क्या क्यू जीरो हो सकता है, या क्यू जीरो नहीं हो सकता? इसका उल्टा कर रहे हैं ना, इसका उल्टा। मगर आवेश है तो मास भी होगा, लेकिन क्या जब आवेश नहीं है, जब मास नहीं है, मास जीरो है, द्रव्यमान ही है, तो वहां पे आवेश
प्रेजेंट होगा या नहीं, वहां पे आवेश का मान भी कितना होगा, शून्य ही होगा। गैलेन का मान जीरो है तो क्यों भी कितना होगा, शून्य होगा। इससे एग्जांपल देखते हैं, फोटोन, फोटोन फोटोन का मास कितना है, जीरो। तो क्यों भी कितना होगा, जीरो। मास जीरो है तो क्यों जीरो होगा। हाँ, अगर मास नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्यू जीरो हो भी सकता है और क्यू जीरो नहीं भी हो सकता, ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। हाँ, मास जीरो है तो क्यू जीरो होगा, मास जीरो नहीं है तो क्यू जीरो हो भी सकता है, क्यू जीरो नहीं भी हो सकता। अच्छा, मास तो जीरो नहीं है लेकिन क्यू जीरो है, मतलब उसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है। यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हो न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन के पास मास है लेकिन क्यू कितना है, जीरो है। मास अगर नहीं है तो क्यू हो भी सकता है और क्यू नहीं भी हो सकता। जब आवेश संरक्षण का जो नियम था उसमें आपको उदाहरण भी पूछ सकता है, जैसे मान लो आपको उदाहरण, एक उदाहरण लेकर समझ लेते हैं आवेशीय अभिक्रिया का। आवेश संरक्षण के अंदर कि नाभिकीय अभिक्रिया लिखी है, मान लो ये 7N14 है, उसका अल्फा कणों से टक्कर कराएंगे तो यहाँ पे 7-2 9 मर गया, 9 पे कौन आ जाएगा, फ्लोरीन, 14 4 ये कितना हो गया आपका, 18। तो ध्यान से, ये नाभिक है, नीचे क्या लिखा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन परमाणु क्रमांक, ऊपर परमाणु भार, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो चार्ज तो केवल प्रोटॉन के पास है, ये केवल नाभिक है, इस पे कितना चार्ज है, 7 ही, एक प्रोटॉन पे ही के बराबर, तो इसमें 7 है, इसमें कितना है, 2 ही। अच्छा, तो यहाँ पे कितना है, 9 ही बराबर है। हो सकता है ऐसे पूछे 8 ऑक्सीजन में तो 16, तो इधर 1H2। अब इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। आवेश संरक्षण नियम लागू होगा नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर भी, तो नाभिकीय अभिक्रिया का एग्जांपल पूछता है तो ये आपको करना पड़ेगा। जैसे हम रेशम के कपड़े को रगड़ रहे थे, उस समय हमने बताया था कि जब कोई कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे जितना धनावेश आएगा रेशम के कपड़े पे उतना ही ऋणावेश आएगा, क्योंकि जब रगड़ने से पहले दोनों चार्ज नहीं थे, दोनों उदासीन थे, तो टोटल चार्ज ही हो। अब उनको रगड़ दिया तो एक ने इलेक्ट्रॉन जितने दिए दूसरे ने उतने ही लिए, तो एक पे जितना धनावेश दूसरे पे उतना ऋणावेश आएगा, टोटल फिर भी जीरो ही। अच्छा, बुक में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन तो ये था कि 250 ग्राम जल है उसमें धनावेश की संख्या और ऋणावेश की संख्या कितनी होगी। धनावेश और ऋणावेश की संख्या बता दी है 250 ग्राम जल के अंदर, तो पहले तो ये याद करो 250 ग्राम जल के अंदर H2O के कितने अणु होंगे, तो H2O का अणुभार कितना है, H2O का अणुभार कितना होता है भाई, 18, ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, यहाँ 2 है तो 2 और 16 कितना हो गया, 18। तो 250 ग्राम जल में H2O की संख्या कितनी होगी बोलो, संख्या कैसे निकालते हैं, बराबर एम बटे अणु भार इंटू एन ए, एन ए क्या है, अवोगाद्रो संख्या, एम का मान 18, सॉरी कितना जल है 250 ग्राम, एम कितना है 18 इंटू एन ए, एन ए अवोगाद्रो संख्या है, उसका मान आप लिख लेना 6.023 × 10³³। अब यहाँ पे हमने संख्या को निकाल ली, एक H2O अणु में धनावेश, एक H2O अणु है यानी उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो कितना धनावेश होगा, 2 हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 2 ही, 1 ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन, 8,
जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटोन, 10 ही नहीं तो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। एक H2O अणु के पास 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश है और 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश है। तो टोटल धनावेश और टोटल ऋणावेश निकालना है। टोटल धनावेश टोटल ऋणावेश बराबर होगा क्योंकि वो उदासीन है, तो एक निकाल लो। तो हम धनावेश निकाल रहे हैं, एक अणु के पास 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल तो इतने हैं, टोटल इतने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज 250 ग्राम जल के अंदर कितना हो जाएगा, एक के ऊपर कितना है 10 ही, इनटू टोटल संख्या, टोटल अणु कितने हैं 250 बटे 18 इनटू Na इनटू 10। इसे सॉल्व कर लेना, 250 बटे 18 इनटू 6.023 10 की घात 23 इनटू 10 इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की घात -19 इतना गुलाब कर लोगे। एक और क्वेश्चन था ऐसा ही, जिसमें मान लो कोई बॉडी है, ठीक, उसे हम आवेश दे रहे हैं, उसे आवेशित कर रहे हैं, या मान लो तो उसे आवेशित कर रहे हैं, तो उसका द्रव्यमान वो बढ़ रहा है कितने से, 9.1 नैनोग्राम बढ़ गया, हमने उसे आवेश दिया, उसे आवेशित किया, तो उसका द्रव्यमान बढ़ गया 9.1 नैनोग्राम। तो हमें यह बताना है कि उसे कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, क्योंकि आवेश जब देते हैं, जब आवेशित करते हैं, तो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहां पर देखना कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए या कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, उनकी संख्या पहले निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये पहला क्वेश्चन पूछा है। तो टोटल मास में इतनी वृद्धि हो रही है, मास में मान लो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना मास बढ़ेगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन का मास है, तो डेल्टा एम किसके बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास इनटू उसने जितने इलेक्ट्रॉन लिए, डेल्टा एम बराबर एम इनटू एम, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही तो मास बढ़ेगा, एन इलेक्ट्रॉन लिए मान लो, तो एन इनटू एम किसके बराबर हो जाएगा, बढ़े हुए द्रव्यमान के बराबर। तो यहां से एन निकाल दो, डेल्टा एम इनटू एम, अच्छा डेल्टा एम कितना 9.1 नैनो 10 की घात -9 ग्राम को केजी में, 10 की घात -3 ये केजी में कन्वर्ट हो गया पूरा। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में लिखना है, ऊपर केजी है, तो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 केजी, तो कैंसिल, ये 12 ये 31, तो 31 में से 12 गए कितने बचेगा 19, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन दिए गए, मास बढ़ रहा है मतलब उसे इलेक्ट्रॉन दिए गए। अब इसी में दूसरा ये पूछा था, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने निकाल दी, इसे ये पूछा कि इसे कितना आवेश दिया गया, हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली है, आवेश नहीं निकाला, इसने पूछा कि इसके ऊपर आवेश का मान और प्रकृति याद कीजिए कि कौन सा आवेश आएगा, धनावेश की ऋणावेश। तो मास बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो भाई जो चीज है उसके वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो मास बढ़ रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कैसा आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कैसा आवेश आएगा, ऋणावेश। कितने इलेक्ट्रॉन लिए, उस पर चार्ज कितना आया, क्यू बराबर एन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 की घात 19, ई का मान 1.6 10 की घात -19, तो कितना आ गया 1.6 कूलम, ये चार्ज आएगा। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या Q बराबर एक गुलाब, एक गुलाब चार्ज अगर है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, किसी को एक गुलाब चार्ज दिया गया तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए,
तो कैसे निकालेंगे q बराबर n, n बराबर q बटे e, q कितना मान एक गुलाब, e कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाब, इसे सोल्व करेंगे आएगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। ये संख्या याद करके रखनी है क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है एक गुलाब के अंदर।